झंझारपुर प्रखंड के धबोल में महानंदा तटबंध पर खतरा मंडराने से लोगों में दहशत फैली हुई है। कटावग्रस्त स्थल पर हो रहा मरम्मत का कार्य और महानंदा नदी में बढ़ते जल स्तर से जहां प्राणपुर प्रखंड के धबोल गांव के स्पर संख्या 72/669 चयन के निकट तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है, वहीं कटावग्रस्त स्थल पर प्रशासन एवं अधिकारी और ग्रामीणों के सहयोग में मरम्मत कार्य भी हो रहा है। जैसे जैसे स्थिति भयावह हो रही है, वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही है। धबोल बांध काटने से प्राणपुर सहित आजम नगर प्रखंड के हजारों की संख्या में छोटे बड़े गांवों को बाढ़ के गोद में समा जाना होगा। जगह जगह नाव की सुविधा भी दी गई है एवं विभाग के सहायक अभियंता पवन कुमार ने एवं आजमगढ़ प्रखंड के जोकर पंचायत के सरपंच पुरुषोत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि अफवाह के कारण लोगों में काफी भीड़ जमा हुई। अफवाह से बचे, बाढ़ बचाव के लिए व्यवस्था पूरी हो रही है। और कुछ समय पहले अफवाह फैल गया था कि धबोल बांध कट गया, लेकिन बांध पर पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि बांध की स्थिति ठीक है। अपनी नज़र से हमने देखा, किसी तरह का कहीं दिक्कत नहीं है। अफवाह से बचना चाहिए आम जनता को, पब्लिक के बीच में जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे बचना चाहिए। कारण है कि जितने भी पदाधिकारीगण हैं, SDO साहब, स्कूटी साहब, BDO साहब, CO साहब, वो बराबर आके निरीक्षण किया करते हैं। जिला पदाधिकारी भी आजमगढ़ पहुँच के हर जगह की जायजा लिया, जिस कारण से हम लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह का भय नहीं है। पब्लिक के बीच में अफवाह फैलाने का काम जो भी करता है वो गलत करता है, ऐसे लोग से बचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए जुबेर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार। अंचल क्षेत्र के दोकराहा पंचायत 9 नंबर वार्ड में बीते दिनों आई थी बाढ़। बाढ़ का पानी उतरने से फूस का घर बिखरने की खबर आई है। वहीं तेज राउत का फूस का घर का टाटी गिर जाने व फूस का घर बिखरने लगा, जिससे बांस के बल्ले के सहारे ग्रामीणों के द्वारा खड़ा कर दिया, जिसमें जीवन बसर चल रहा है। इसकी सूचना अंचलाधिकारी को लिखित रूप में देने को कही गई है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी जावेद आलम ने बताया कि आवेदन प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच कराई जाएगी। सत्य पाए जाने पर सरकार द्वारा आपदा विभाग के तरफ से क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार। गुरुवार के दिन मंझोलिया प्रखंड पदाधिकारी चंदन कुमार ने पदभार संभाला। तत्पश्चात प्रखंड के सभी सचिव का बैठक लिया, विकास में गति लाने संबंधित निर्देश दिया। सरकारी राशि उठाकर कार्य नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई और उसके बाद प्रखंड क्षेत्र में कितने शौचालय बने और कितने का कार्य चल रहा है, इन सभी जानकारियों का लेखा जोखा मांगा और दिन भर अलग अलग विभागों के बैठक लेते रहे। प्रखंड कर्मियों में अधिक भागदौड़ देखी गई। वहीं BDO चंदन कुमार ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर मैं सभी विभाग सरकार के निर्देश अनुसार जनता को सेवा देने लगेगी। बताते चले कि मंझोलिया प्रखंड 29 पंचायतों का प्रखंड है, लेकिन 5 ही पंचायत सचिव के भरोसे पूरा प्रखंड चल रहा है। ये सर परिचय, मेरा नाम चंदन कुमार, मैं नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी मंझोलिया। आज पदभार ग्रहण करने के बाद मेरे द्वारा संबंधित विभागों के कर्मी हैं, खासकर के पंचायत सचिव, उनसे बैठक की गई, उनसे रिव्यू की गई। रिव्यू के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यहाँ 29 पंचायत है, जो कि पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा जिला है, और लेकिन पंचायत सचिवों की संख्या पर्याप्त नहीं है। मैंने आदरणीय जिला पदाधिकारी के माध्यम से अनुरोध भी किया कि पंचायत सचिव की संख्या बढ़ाई जाए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहे ANMA स्कूल में पढ़ाई करने आई फर्स्ट ईयर छात्राओं को आज IMA हॉल में शपथ दिलाई गई। इस दौरान कोर्स पूरा करने वाली सफल छात्राओं में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के DPM, ACMO के अलावा कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इस मौके पर ANMA स्कूल के प्राचार्य नईमा खान ने बताया, इस स्कूल में 182 छात्राओं को नर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और आज सभी छात्राओं को शपथ दिलाई गई है कि वह सच्चे दिल से बीमार मरीजों की सेवा करेंगी। किसी भी मजहब या धर्म को मानने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगी। इस मौके पर शपथ लेने वाली छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। छात्राओं ने बताया कि वह सेवा भाव से ही नर्स की ट्रेनिंग ले रही हैं। आज जो है प्रथम वर्ष NM स्कूल बिहारशरीफ की छात्राओं का शपथ ग्रहण है, जो प्रथम वर्ष छात्राओं का 3 माह के उपरांत एग्जाम देने के बाद जो पास किए हैं उन बच्चों का शपथ ग्रहण है, जिन्होंने पास किया उन्हीं का है। और इस शपथ ग्रहण के बाद छात्राएं और सदर अस्पताल
और अन्य कम्युनिटी सेंटर ये सब में ड्यूटी में जाएंगी और जो रोगी हैं उनकी देखभाल करेंगी और हमारे समाज को रोग मुक्त बनाने में मददगार होंगी। हमारे यहाँ 82 छात्राएं हैं प्रथम वर्ष। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा। एसपी जयंत कान ने मझोलिया थाना का निरीक्षण किया। सबसे पहले लैंडलाइन, कंप्यूटर रूम, कैदी गृह, मालखाना, सिरिस्ता आदि के निरीक्षण के दौरान असंतुष्ट हुए एसपी। वहीं ओडी में पदस्थापित दरोगा रामयोद्धा सिंह का मोबाइल नंबर जो सूचना पट पर लिखा हुआ था वह बंद आ रहा, जिस पर बिफरे एसपी ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि दूसरा नंबर लिखे। उसके बाद उन्होंने केस संबंधित संचिकाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी नाखुश होकर थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता को कहा कि 15 दिनों का समय दिया कि थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता को उन्होंने 15 दिनों का समय दिया और कहा कि 15 दिनों में थाना अपडेट होना चाहिए और थाना में सफाई का आलम होना चाहिए। इस निरीक्षण के दौरान डीएसपी पंकज रावत, इंस्पेक्टर सहित सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल उपस्थित थे। मझौलिया थाने के लगभग 2 घंटे इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान अहम बातें प्रकाश में आई हैं, सभी को निर्देश दिया गया और अगले 15 दिन का समय दिया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया। कटिहारी जिले के विभिन्न प्रखंडों कदवा, आजमनगर, बलरामपुर, डंडखोरा, मनसाही, मनिहारी, अहमदाबाद एवं प्राणपुर सहित कई प्रखंडों में बाढ़ से ग्रस्त रहे आमजनों तक राहत कार्य में जिला प्रशासन द्वारा उदासीनता बरतने को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेम राय के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कदवा विधायक शकील अहमद ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी 3 जुलाई 2019 कटिहारा जिले के तमाम प्रखंडों के क्षेत्रों में बाढ़ से जनता ग्रसित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई मार्ग कर जरूरतमंद लोगों तक सामग्री वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से प्रभावित आम जनता तक राहत सामग्री पहुँचाने में अनियमितता रवैया अपनाया जा रहा है। इससे कदवा के विधायक शकील अहमद ने कहा कि कटिहारा जिले में मुख्यमंत्री का आदेश की अवहेलना की जा रही है। धरना प्रदर्शन के बाद कटिहार जिले के पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग पत्र के अनुसार कटिहार जिला को पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त जिला घोषित किया जाए, पर्याप्त संख्या में नाव का प्रबंध प्रखंड स्तर किया जाए, कदवा, बलरामपुर, आजमनगर, मनसाही, मनिहारी, अहमदाबाद, डंडखोरा सहित प्राणपुर के साथ विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ राहत के सामान की आपूर्ति की जाए, पर्याप्त मात्रा में सामूहिक भोजन व्यवस्था का इंतजाम किया जाए तथा सभी प्रखंड में पदाधिकारियों की अवस्था के अनुकूल प्रतियुक्त किए जाए। सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा, उनके पास खाना नहीं पहुंचेगा, बाढ़ का पानी उनके पास घुस जाएगा तो लोग क्या करेंगे। और उसके ऊपर भी हम देखने में आया, सुनने में आया है कि चूहा खाते हुए या चूहा पकड़ते हुए लोगों को मजबूर है लोग। ये शर्मनाक है, ये अति जिसको कहते संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। तो थोड़ी बहुत गति अभी नजर आती है। बिहार सरकार को, नीतीश जी को हमने 2-2 चिट्ठियां लिखी, उसका जवाब फौरन हमको मिल जाता है कि वो 2 चिट्ठियां जिला प्रशासन को भेज दी गई है। जिला प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करने में डिले नहीं करना पड़ता किसी चीज़ के परचेजिंग में, किसी चीज़ के आदेश में। इस आदेश में, परचेजिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तीनों सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिवली फेलियर है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर के धरने पे बैठे हैं। हमको जनता के बीच में होना चाहिए था, हम वहाँ 3 दिन से लगातार हैं, हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में बने हुए हैं, लेकिन आज धरना के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम बिहार सरकार को आज पिटीशन यहाँ से भेज रहे हैं। उस पिटीशन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाढ़ इसको घोषित करते हुए जितनी भी सुविधा दी जा सकती है अभी भी, ताकि मरने से बच जाए, तकलीफों से बच जाए, घर जो गिर रहा है, माल जाल के पास बॉर्डर नहीं है, इस सब की सुविधा जो बाढ़ में दी जाती रही है नियमता कानूनता, और सबको पता है कि इलाका बाढ़ का है तो उसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी, कुछ वो हुई नहीं। कुल पंचायत और जनसंख्या कितनी होगी जो बाढ़ में गिर गई? हाँ, अगर 10 पंचायत आप कुमड़ी से अंदर का लीजिएगा तो लगभग 1 से 1.25 लाख वो जनता हुई जो कदवा की बात करें। आज डंडखोड़ा में 6 पंचायत है,
तो 6 पंचायत में लगभग 50 से 60 हज़ार की वो तादाद हो गई। उसके बाद मनसाही बलरामपुर मिला करके तो आधा कटिहार अगर आप मान लीजिए तो लगभग 10 लाख आदमी इस चपेट में, कहीं थोड़ा पानी कहीं ज़्यादा पानी लेकिन तकलीफों से भर गई है। ये शहर बचा हुआ अगर पानी इस स्पीड में बढ़ रहा है तो शहर में भी आ जाएगा। हाँ जाहिर सी बात है कि एक तो पुल पुलिया बनाने में कठिनाई होती है बरसात के, और इन इलाकों में पुल पुलिया बनती है तो टूट जाता है, डाइवर्सन टूट जाते हैं। आज भी कल यहाँ पर हमारा जो बमरेली के पास है वही एक रास्ता था, अब आज के दिन में अगर हमको गदवा में प्रखंड जाना है तो या तो हम हसनगंज होके जाएंगे या हम बस्तौल होके जाएंगे, बस्तौल भी जाएंगे तो शिवगंज टूटा हुआ है, हम ये क्या नाम है द्वासे होके अब नहीं जा सकते, हालात बड़े खराब है। तो मुख्यालय से TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बिहार।